Hey guys, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बजट 1080p ग्राफिक्स कार्ड अंडर 30,000 रुपीस। मैंने यहाँ पर कुछ टाइम से ये चीज नोटिस करी है कि लोग अक्सर जो ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं अपने पीसी में, या तो वो ओवरकिल ले लेते हैं या पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा ग्राफिक्स कार्ड ले लेते हैं जो उनका काम नहीं निकलवा पाता। मैंने सोचा एक लिस्ट बनाते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आपको कौन से ग्राफिक्स कार्ड कौन से प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए। बेस्ट चीज ये है कि इस लिस्ट में मैंने ऐसे भी ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूड करे हैं जिनको लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं और वो आजकल काफी अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। जो भी ग्राफिक्स कार्ड मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूं उसका बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारे के सारे ग्राफिक्स कार्ड नए हैं, कोई यूज्ड वाला नहीं है कि आपको OLX पे जाकर मगजमारी करनी पड़े, आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप या अगर आपका दोस्त 1080p लेवल का गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाला है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना, उसके लिए काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पर मैं जितने भी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग बताऊंगा ना वो नॉर्मल प्राइसिंग है, यानी कि आज की डेट पे भी जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हो। इनकेस अगर आप डिस्काउंट चाहते हो, आप चाहते हो नहीं हमें RTX 4060 ऐसा ग्राफिक्स कार्ड 22,000 में खरीदना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर ना हम लोग रेगुलर बेसिस पे ग्राफिक्स कार्ड पे जब जब डील आती है हम लोग शेयर करते रहते हैं उसके लिंक। आप लिटरली बहुत पैसा सेव कर सकते हो, मैंने देखा है लोग 21,000 रुपये में RTX 4060 ले गए। ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं पिन भी कर दूंगा, जरूर याद से ज्वाइन कर लेना, आपका बहुत फायदा हो जाएगा। नाउ यहां पर अब अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में जो पहला यानी कि सबसे सस्ता ग्राफिक्स कार्ड है वो आता है AMD की तरफ से, AMD का RX 5600 XT 6GB वेरिएंट। लोग नॉर्मली RX 5600 XT को भूल सा ही गए हैं क्योंकि जब से 6000 सीरीज आई है तो लोग 5600 XT के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। करंटली ये ग्राफिक्स कार्ड आपको ऑनलाइन 13,500 रुपए के आसपास वेदांत कंप्यूटर पे देखने को मिल जाता है, और जो ये परफॉर्मेंस ऑफर करता है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आज के टाइम कोई भी आप मॉडर्न गेम्स खेलना चाहते हो मीडियम टू हाई सेटिंग 60+ FPS पे आराम से खेल सकते हो। इसका जो परफॉर्मेंस है वो लगभग RTX 2060 सुपर के बहुत ही क्लोज आता है, और 13,500 रुपए में ये बहुत ही अच्छी वैल्यू ऑफर कर देता है। और जब आप ये चीज भी देखते हो ना कि अंडर 20,000 रुपीज आपको कोई भी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता, तो RX 5600 XT एक सेंसेबल ऑप्शन हो सकता है। अब लिस्ट में यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर है ग्राफिक्स कार्ड है ना, वो जब लॉन्च हुआ था तब उसे बहुत बुरा कहा गया था, डेड ऑन अराइवल ऐसा वैसा, लेकिन आज के टाइम पे भाई मैं मानता हूँ जिस प्राइसिंग पे मिल रहा है ना बहुत ही सेंसेबल प्राइसिंग और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करता है, वो है RTX 3050। इस GPU में आपको 8GB की VRAM देखने को मिल जाती है और जो प्राइसिंग है वो लगभग आपको 18,000 रुपए के आसपास नॉर्मली देखने को मिलती है। अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो हो सकता है 18,000 रुपए से कम में भी देखने को मिल जाए। करेंटली ये वन ऑफ द चीपेस्ट RTX ग्राफिक्स कार्ड है जिसको कि मैं मानता हूं आप जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। परफॉर्मेंस जो इस ग्राफिक्स कार्ड का है वो है RTX 2060 सुपर के बहुत ही क्लोज, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा है। RTX का फायदा ये भी हो जाता है कि यहाँ पर आपको DLSS का सपोर्ट मिल जाता है, NVIDIA की AI वाला सपोर्ट मिल जाता है, और अगर आप वीडियो एडिटिंग जैसा काम करना चाहते हो तो भी आप इस ग्राफिक्स कार्ड पे बहुत आराम से कर सकते हो। अंडर 45,000 रुपीज़ अगर PC बिल्ड कर रहे हो ना तो ये GPU एक सेंसिबल ऑप्शन हो सकता है। अब लिस्ट में यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है वो जस्ट इस ग्राफिक्स कार्ड से 1,000 रुपये महंगा है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में इससे बहुत ज़्यादा बेटर है, जो कि आता है AMD की तरफ से, AMD का RX 6600। यहाँ पर आपको इस ग्राफिक्स कार्ड में 8GB की VRAM देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लिटरली आप कोई भी मॉडर्न गेम्स इस ग्राफिक्स कार्ड पे हाई सेटिंग विद 100+ FPS पे आराम से खेल सकते हो। RX 6600 मैं मानता हूँ आजकल वन ऑफ दी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आप 1080p और 1440p लेवल की गेमिंग करना चाहते हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसका परफॉर्मेंस आप ये मान के चलो RTX 3060 के बहुत क्लोज आता है, कुछ सिनेरियोज में आगे भी निकल जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड हो सकता है। अब लिस्ट में यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब ये ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुआ था ना मैं इसे सेंसिबल चॉइस नहीं मानता था, क्योंकि उस टाइम पे इसका परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी उतनी अच्छी ऑफर नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया ब्रांड ने जो है ड्राइवर अपडेट्स इसके देते गए, और आज की डेट पे ये ग्राफिक्स कार्ड वन ऑफ दी बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है अगर आपका बजट 20-22,000 रुपए के आसपास है तो। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंटेल का ARC A750। करेंटली आप इस
ग्राफिक्स कार्ड को 20-21 हजार रुपए के आसपास खरीद सकते हो। RX 6600 से जस्ट 1000 रुपए महंगा है, लेकिन भाई जो ये परफॉर्मेंस ऑफर करता है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप इस ग्राफिक्स कार्ड को RTX 3060 से नेक टू नेक कंपेयर कर सकते हो और ये ग्राफिक्स कार्ड उसे आउट परफॉर्म बहुत ही इजीली कर देता है। ARC A750 इंटेल की तरफ से आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको DLSS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लकीली आप FSR3 का यूज कर सकते हो। और आज के टाइम पे ये ग्राफिक्स कार्ड इतना ज्यादा स्टेबल हो चुका है, मैं मानता हूँ अगर आप 21,000 रुपए इस ग्राफिक्स कार्ड पे डालते हो ना आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, काफी ज्यादा स्टेबल प्लेटफॉर्म हो चुका है। अब लिस्ट में यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड है ना वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, यानी कि 24,000 रुपए की इसकी प्राइसिंग है, और ये आता है AMD की तरफ से, AMD का RX 6650 XT, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है अगर आप आज की डेट पे 1440p लेवल की गेमिंग करना चाहते हो। यहाँ पर आपको 8GB की VRAM देखने को मिल जाती है और इसका जो परफॉर्मेंस है ना वो RTX 3060 Ti के आसपास आ जाता है। 24,000 रुपए में रहते हुए आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू ऑफर कर देता है, FSR3 का सपोर्ट भी मिल जाता है, मॉडर्न गेम्स आप इस ग्राफिक्स कार्ड पे 1440p 60+ FPS पे आराम से खेल सकते हो। वही आप में से जो लोग e-sport गेम्स खेलना चाहते हैं बहुत हाई FPS पे, लाइक 300-500 FPS पे, तो भी आप इस ग्राफिक्स कार्ड को कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। अब लिस्ट में यहाँ पर हमारा जो लास्ट ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है वो है RTX 4060 को मैं बहुत ज़्यादा सेंसिबल चॉइस नहीं मानता, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आपको ऐसे भी ग्राफिक्स कार्ड मिल जाते हैं जो कि इससे बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं, लाइक RTX 3060 हो गया, या अगर आप थोड़ा सा 2-4% कम परफॉर्मेंस के साथ सेटिस्फाई हो तो आपके लिए RX 6650 XT भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन स्टिल मैंने RTX 4060 को इस लिस्ट में इंक्लूड किया, उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, AI रिलेटेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप वीडियो एडिटिंग या 3D वर्कलोड वाला काम करना चाहते हो ना तो ये आपका काम बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। 28,000 रुपए में रह के ये ग्राफिक्स कार्ड ऐसा परफॉर्मेंस ऑफर करता है ना कि भाई आप इजिली 1080p 1440p इवन DLSS का यूज करके 4K रेजोल्यूशन की गेम्स अच्छे फ्रेम रेट पे खेल सकते हो। आप में से जो लोग एक ऐसा PC बिल्ड करना चाहते हो जहां पर आप अभी 1440p और 4K लेवल की गेम्स खेलना चाहते हो विद दी हेल्प ऑफ DLSS, बाद में आप रेजोल्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लाइक 1080p 1440p पे सेटल हो सकते हो ना, तो ये ग्राफिक्स कार्ड लॉन्ग टर्म में ना आपकी बहुत हेल्प कर देता है। मैं मानता हूं अगर आप आज की डेट पे RTX 4060 खरीदते हो ना 5-6 साल आंख बंद करके ये ग्राफिक्स कार्ड आपको बहुत अच्छे रेजोल्यूशन और बहुत अच्छे फ्रेम रेट पे गेम्स खिलवा देगा। फ्यूचर में हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन भाई ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अंडर 28,000 रुपीज़ के आसपास रहते हुए। हालांकि अगर आप इस लिस्ट के और भी ऊपर जाते हो तो आपको RTX 3060 Ti मिल जाता है, RX 7600 मिल जाता है, 7700 XT मिल जाता है, 7800 XT मिल जाता है, और भी बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड हैं। वो ग्राफिक्स कार्ड डेफिनेटली आपको बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं, लेकिन जितनी अच्छी वैल्यू मैंने अपने लिस्ट में जिन ग्राफिक्स कार्ड को मेंशन करके बताई है ना वो ग्राफिक्स कार्ड उतनी अच्छी वैल्यू ऑफर डेफिनेटली नहीं करेंगे। प्राइस आपसे बहुत ज़्यादा लेंगे, परफॉर्मेंस गेन जो आपको मिलेगा ना वो बहुत थोड़ा सा होगा। वेल तो दोस्तों इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।